हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल एंड चीज स्टडीज आई एम अभिषेक मिश्रा एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस सो लेट्स स्टार्ट सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं तो ऑप्शंस दिए हुए हैं टू थ्री फोर सिक्स तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है तो ह्यूमन हार्ट में फोर चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं फोर चैम्बर्स होते हैं तो ऑप्शन सी करेक्ट है अगर आपसे ह्यूमन हार्ट का साइज पूछा जाए क्या पूछा जाए साइज क्या होगा ह्यूमन हार्ट का तो उसका साइज होता है क्लोज्ड फिस्ट आपकी बंद मुट्ठी के बराबर ह्यूमन हार्ट का साइज होता है राइट right? अगर आपसे कोई उसका सेप पूछे तो सेप क्या हो जाएगा कॉनिकल होता है उसका सेप राइट right? अभी ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर हार्ट में फोर चैम्बर्स की जरूरत क्या है तो वी ऑल नो दैट हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो टू प्रीवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन हार्ट देयर आर फोर चैम्बर्स एंड ऑल फोर चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय अ वॉल ओके मस्कुलर वॉल होती है एंड दैट इज नोन एज सेप्टा और उसका नाम क्या होता है सेप्टा उसे हम क्या बोल जाते हैं सेप्टा बुलाते हैं सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ फोटो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इन टू यानी कि फोटोसिंथेसिस खत्म होने के बाद प्लांट क्या कन्वर्ट प्लांट कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है केमिकल एनर्जी तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स यूटिलाइज सनलाइट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड रॉ मटेरियल्स टू सिंथेसाइज दियर ओन फूड सनलाइट किसमें कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी पे राइट right? लाइट किस में कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी एंड सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमें यहाँ पर फोर ऑप्शन दिए हुए हैं वेजिटेबल्स ग्लास प्लास्टिक एंड मेटल इसमें से बताना है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो समय के साथ डिग्रेड हो जाते हैं सो so यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है यानी कि वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज लिक्विड गोल्ड ऑप्शन दिए हुए हैं कैरोसिन डीजल पेट्रोलियम और फ्यूल ऑयल इनमें से कौन सा एज ए लिक्विड गोल्ड कंसिडर किया जाता है तो पेट्रोलियम पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड बुलाते हैं राइट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज ऑपटे लिक्विड स्टेट इसमें से कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में होता है आप सभी को पता है कि मेटल्स आर सॉलिड राइट मेटल्स का स्टेट क्या होता है सॉलिड होता है बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में भी होते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम गैलियम टेन पोटेशियम तो गैलियम राइट right? तो गैलियम क्या होता है इट इज़ ऑपटेनड इन अ लिक्विड स्टेट गैलियम जो मेटल होता है वो लिक्विड स्टेट में ऑपटेन किया जाता है मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेन हनी बी बाइट्स विच केमिकल एंटर्स आवर बॉडी जब हनी भी हमें काटती है तो कौन सा केमिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है या हम बोल सकते हैं कौन सा पॉइजन एंटर करता है तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं फॉर्मिक एसिड मैलेटिन पैपसिन कैल्शियम फॉस्फेट तो यहाँ पर मेलेटिन करेक्ट आंसर है क्या है मैलेटिन जब हनी भी हमें काटती है तो मेलेटिन केमिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है फॉर्मिक एसिड किसके लिए होता है फॉर्मिक एसिड जब हमें रेड एंट काटती है राइट right? तब हमारी बॉडी में क्या एंटर करता है फॉर्मिक एसिड एंटर करता है सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट सबसे ज्यादा गर्म प्लानट कौन सा है सोलार सिस्टम का हमारे ऑप्शन दिए मर्करी मार्स अर्थ वीनस आई थिंक आप सभी लोग मर्करी सोच रहे होंगे बट ये गलत आंसर है दिस रॉन्ग आंसर करेक्ट आंसर इज वीनस राइट करेक्ट आंसर क्या है वीनस है आखिर इसका रीजन क्या है कि मर्करी देखिए फर्स्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन सन से पहला ही प्लैनेट है बट मर्करी का एटमॉसफियर क्या है बहुत ही थिन है राइट right? अब जब थिन एटमोसफियर है तो सनलाइट पड़ती है तो टेम्परेचर तो हाई हो जाता है बट एटमोस्फियर थिन है तो उतनी ही तेजी से जो लाइट होती है जो हीट होती है वो स्पेस में स्केप कर जाती है बट इन केस ऑफ वीनस की अगर हम बात करें तो वीनस का जो एटमोसफियर है वो बहुत ही डेंस है अब जब डेंस है तो जो हीट है वो इजिली स्केप नहीं कर पाती है ओके okay, जब इजिली स्केप नहीं कर पाती है तो वहां का टेम्परेचर क्या रहता है हाई रहता है तो यहां पर अगर हम बात कर तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सो ऑप्शन डी वीनस इज द करेक्ट आंसर और हाँ वीनस को मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं राइट right? वीनस को हम क्या बुलाते हैं मॉर्निंग स्टार भी बुलाते हैं या फिर इसे हम इवनिंग स्टार भी बुलाते हैं इवनिंग स्टार राइट वीनस को हम क्या क्या बुलाते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बुलाते हैं राइट right? अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स को हम रेड प्लेनेट भी बुलाते हैं तो अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट बुलाते हैं जहां पर हम रहते हैं अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लेनेट क्लियर सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिफिशियल इज़ फॉर वेदर फोरकास्ट वेदर फोरकास्ट के लिए कौन सी आर्टिफिशियल आर्टिफिशियलिबल होती है हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं इनसेट कैटोसेट एडुशैट या फिर मेटसेट तो कौन सा ऑप्शन सही है तो यहां पर हमारा ऑप्शन डी सही है मेटसेट मेटरलॉजिकल सेटेलाइट ओके ये सेटेलाइट रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए फॉर वेदर फॉरकास्टिंग राइट अब बात करते हैं इंसैट की तो इनसेट किसके लिए यूज होती है टेली कम्युनिकेशन के लिए किसके लिए टेलीकम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन के फील्ड में यूज होती है और फिर ब्रॉडकास्टिंग में भी यूज होती है राइट right. ब्रॉडकास्टिंग अभी है कार्टोसेट अभी ये कार्टोसेट किधर यूज होती है तो दिस इज यूज ये एक रिमोट सेंसिंग पे वर्क करती है और ये यूज होती है अर्थ रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए किसके लिए अर्थ रिसोर्स मैनेजमेंट और इसका यूज डिफेंस सर्विसेज़ में भी होता है राइट right. मॉनिटरिंग के लिए एटू दिस इज द फर्स्ट सैटेलाइट विच इज फुल्ली डिजाइन फॉर एजुकेशन ये एक डिस्टेंस एजुकेशन के लिए है टू वे कम्युनिकेशन होता है एटू एजुकेशन पर्पस के लिए इसका यूज होता है एंड मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट तो आपको बता ही दिया गया है मेट का यूज होता है फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग और आइज इज़ कंट्रोल्ड बाय यानी कि जो अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर होती है हमारी आई पे उसको कौन कंट्रोल करता है आयरिस प्यूपिल रेटिना कॉर्निया तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है प्यूपिल राइट प्यूपिल कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट विच अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग और आइज राइट प्यूपिल कंट्रोल करती है नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स तो हमारे यहाँ पर कुछ एसिड दिए हुए हैं ऑप्शन दिए हुए हैं एच एन ओ थ्री एच टू एस ओ फोर एच सी एल्स एस थ्री सी डब्लो एच इसमें से कौन सा एसिड किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट एच टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स सो आज के क्विज में बस इतना ही सो थैंक यू एवरी वन एंड स्टेट्यून